वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने ट्वीट करते हुए बताया कि महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड ने 21 करोड़ रुपए के 7 किलो यूरेनियम के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने एक आरोपी का नाम अबू ताहिर अफजल हुसैन बताया और दूसरे का जिगर। देवांग दवे ने भी अपने ट्वीट में बताया कि मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड ने अबू ताहिर नाम के शख्स समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। देवांग भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के संस्थापक हैं। भाजपा समर्थक और अधिवक्ता प्रशांत पटेल उमराव ने भी एक ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र की एटीएस को दो लोगों के पास से अवैध यूरेनियम मिला है। उनके मुताबिक ये दोनों लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ट्वीट में दोनों आरोपियों का नाम उन्होंने अबू ताहिर अफजल हुसैन और मोहम्मद जिगर बताया। एक फेसबुक यूजर सुनील कुमार पांडे ने भी पोस्ट में कहा कि इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों के नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए बताएं। दरअसल महाराष्ट्र में 6 मई को एटीएस अधिकारियों ने 7 किलो अवैध यूरेनियम रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी थी। इस 7 किलो यूरेनियम की कीमत लगभग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसे रखना गैर कानूनी होता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 फरवरी को अधिकारियों को जिगर पंड्या नाम के शख्स के बारे में टिप मिली थी कि वो यूरेनियम के कुछ टुकड़े बेचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने उसी दिन जिगर को गिरफ्तार किया। उसके बाद जांच में पता चला कि जिगर को ये यूरेनियम मानखुर्द के निवासी अबू ताहिर ने दिया था और पुलिस ने अबू ताहिर के यहाँ छापा मारकर उसे भी गिरफ्तार किया। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक अबू ताहिर का पूरा नाम है अबू ताहिर अफजल हुसैन चौधरी और इसी वजह से कई लोगों ने अबू ताहिर और अफजल हुसैन को अलग अलग शख्स मान लिया। जबकि असलियत यह है कि इस मामले में सिर्फ दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम अबू ताहिर अफजल हुसैन चौधरी है और दूसरे का जिगर पंड्या। इसमें एक शख्स मुस्लिम समुदाय से तो वहीं दूसरा शख्स हिंदू समुदाय से आता है।